अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और जुमे का खास इहतमाम होता है, मैंने भी आज कोशिश की कि मैं वाइट पहन कर आऊँ। और सुबह सुबह मुझे मुश्किल हो रही थी वाइट ढूंढने में, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरी वार्डरोब के अंदर एक वाइट ड्रेस हैंग था, तो मैंने सोचा कि आज जुमे का दिन है तो वाइट पहन लिया जाए। और बहुत सारे इहतमाम किया जाता है जनाब जुमे वाले दिन। और अमूमन आप जब घर से निकले या घर में भी रात के टाइम सुबह ऑफिस जाने के लिए कुर्ता शलवार प्रेस हो रहा होता है, ऑफिस आए तो आपको भी अपने इर्द गिर्द जो अपने कॉलीग्स होते हैं वो भी शलवार कमीज में नजर आ रहे होते हैं। तो जुम्मे वाले दिन वैसे एक ये तो अच्छी बात है, पहनना चाहिए, लेकिन उसके अलावा क्यों नहीं पहनते, मेरा हमेशा ये सवाल रहता है। तो जनाब ये तो आज का हमने आपको बता दिया कि आज जुम्मे का आगाज आपने कैसे करना है, वाइट कोशिश क्या करें पहना करें। लेकिन इसके साथ जनाब हमारा जो शो का आगाज होता है वो रिसर्च के साथ होता है, और जब रिसर्च हम आपके साथ शेयर करते हैं तो हम इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें आपके साथ लेकर आते हैं। तो जनाब आज मैं आपके साथ एक अमेरिकन स्टूडेंट की बात शेयर करने वाली हूँ, अमरीकी तालिबा जिन्होंने खून ख्वार मगरमच्छ के साथ ग्रेजुएशन की खुशी मनाई। जनाब ये जो लड़की है 21 साल, इसने मकामी यूनिवर्सिटी से वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज साइंस से ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर एक सेंटर के अंदर एक मगरमच्छ सेलेक्ट किया, और उसके साथ वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हुई, और उसके बाद उन्होंने अपने दोस्त के हमरा पानी में जाकर इस मगरमच्छ के साथ तस्वीरें बनाई और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। लोग अच्छे खासे खौफ में मुब्तला हो गए और दंग भी रह गए कि ये जो तस्वीर है कितने बड़े जो खूनखार किस्म मगरमच्छ, वैसे ही देखकर खौफ आ जाता है। और जब आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आगे आप नौकरी करें, मतलब ज़िंदगी सबको बहुत प्यारी होती है, और ग्रेजुएशन जब आपने इतना अरसा पढ़ने पढ़ाने के बाद आप ग्रेजुएशन करके आए और आप मगरमच्छ के साथ तस्वीरें तो आ लें, क्या मतलब। लेकिन कोई बात नहीं, शौक का वाकई कोई मोल नहीं होता। और यही लड़की जिसने ग्रेजुएशन किया उसने ये पिक्चर्स ना सिर्फ उन्होंने पिक्चर्स ली बल्कि सोशल मीडिया में भी डाली, और उन्होंने कहा कि मैं देखे किस कदर बहादुर में से बहादुरी का मिसाल है। और जनाब इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं इनके संभल पर और इस जो मैंने पिक्चर शेयर की हैं लोग जितना उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी बहादुरी को दाद दे रहे हैं, वो बहुत शुक्रगुजार हैं इस मौके पर। लेकिन मुझे ना ये पिक्चर्स बार बार देख के खौफ आ रहा है कि एक मगरमच्छ के साथ आपने तस्वीर उतरा ली हो और आपको समझ ही ना आ रही हो, मतलब वो किस कदर बड़ा है, उनके अपने साइज से भी बड़ा है। लेकिन जनाब वही बात कि इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, मगरमच्छ के साथ तस्वीरें भी उतरवा सकता है। जनाब ये अमेरिकन एक स्टूडेंट है जिनके हमने आपके साथ एक इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, लेकिन उसके साथ साथ हम आपकी सेहत के हवाले से भी आपको बताने वाले हैं। वो सेहत क्या है, डॉक्टर्स आपके पास, न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं, हर तरह के लोग जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, जो फिटनेस एक्सपर्ट है वो आपको कहते हैं जनाब एक्सरसाइज क्या करें। एक्सरसाइज में अगर आप वॉक भी कर लेंगे या थोड़ी सी रनिंग भी कर लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और आसान इस तरह से होगी कि जनाब वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी याददाश्त में भी कमी आती है, और सिर्फ चंद मिनटों की हल्की वर्जिश भी है वो आपके दिमाग पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है, और याददाश्त भी आपकी बहुत हद तक बेहतर हो सकती है। जब आप सबसे पहले जब लेट एज में जाना शुरू होते हैं, आपकी उम्र ढलना शुरू हो जाती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आता है वो याददाश्त पर आता है। लेकिन अगर आप अर्ली एज में अपनी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज या सिर्फ चहलकदमी की बात की जाए, आप उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, थोड़ी सी रनिंग कर लें, तो ये आपके लिए लॉन्गर रन बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, और आपकी जो याददाश्त की जो असरात आते हैं लेट एज में वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। 36 सेहतमंद शुरका को 10 मिनट तक हल्की वर्जिश कराई गई इस तहकीक में, और इसके बाद उनके दिमाग का जायज़ा लिया, तो इस तरह से मालूम हुआ कि जो उनके मौजूद याददाश्त के खुलिए होते हैं वो बेहतर तौर पर मजबूत भी हो जाते हैं और वो बेहतर तौर पर वर्किंग भी करते हैं, और आपके जो सारे याददाश्त का अमल होता है वो आपकी ऑब्वियसली बॉडी हर एक पार्ट जो ऐप से जुड़ा होता है, और अगर आपकी फिटनेस अच्छी होगी और आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, आप अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी को हिस्सा बनाएंगे, तो डेफिनेटली फॉर द लेट एज आपकी बहुत सारी बीमारियों से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कहती, ये रिसर्च भी कहती है, डॉक्टर्स भी कहते हैं, तो लिहाजा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज लाजमी क्या करें। और ये बार बार आपको, कल भी एक डॉक्टर आए थे वो हमें यही बताते हैं कि जनाब आप ये मत सोचें कि आप घर में जो ऊपर से नीचे सीढ़ियाँ उतरते हैं, किचन में काम करते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपकी एक्सरसाइज हरगिज़ नहीं है। अगर आप 10 मिनट्स भी रोज़ाना एक कहने तवज्जो के साथ और बगैर किसी सोचों और फिक्रों के वॉक कर लेते हैं ना, तो यही आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत है। खाने के बाद रात के टाइम आप वॉक कर सकते हैं, सुबह वॉक कर सकते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका बीपी, आपकी डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें जो है से क्योर हो जाती है। तो लिहाजा
एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएं और जो आपकी याददाश्त है, ये तो रिसर्च ने आपको बता दिया कि इससे आपकी लेटेस्ट भी याददाश्त भी बहुत हद तक बेहतर रहती है। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं और टॉपिक का मैं इस तरह से कहूंगी कि हम अपने बच्चों को पहले शुरू में तो कहते हैं दोस्त बनाएं, सोशल होएं, उसके बाद लोगों से बात करें। बच्चा अगर किसी पब्लिक प्लेस पर किसी गैदरिंग में सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता या उसके दोस्त नहीं होते तो हम बड़ी फिक्र में मुबतला हो जाते हैं। लेकिन क्या वो कंपनी बाद में उनको ठीक होती है? बाद में हम उसी बच्चे को डांट के कह रहे थे अपने दोस्त से दूर आ करो, तो क्या ये चीज़ हमें बाद में कहनी चाहिए? और बच्चों की कंपनी होना ना होना, कैसी कंपनी होनी चाहिए, इन सब पर डिस्कशन के लिए आज हमारे पास मालवी खान मौजूद होंगी। मालवी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मालवी, सबसे पहले तो हम बच्चों की कंपनी की बात करते हैं, दुरुस्त होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बच्चे को तो नहीं पता कि उसकी कंपनी कैसी है। अर्मिला, बिल्कुल पहले वहीं से शुरुआत करेंगे जैसे आपने शुरुआत की कि अर्ली ईयर्स में जब बच्चा छोटे बड़ा हो रहा होता है, पहले कुछ 2-3 सालों में उसका इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ होता है, अपने माँ बाप के साथ होता है, अपने बहन भाइयों के साथ होता है। जैसे ही वो स्कूल चला जाता है, मुझे एक बहुत प्यारा सा मुहावरा है जो हमेशा याद रहता है, एज टीचर मुझे वो याद रहता है कि बच्चा जिस दिन पहले दिन स्कूल से घर आता है वो मुकम्मल घर नहीं आता, वो एक्चुअल में एक मुकम्मल मुख्तलिफ किस्म का बच्चा घर आता है। उसके ऊपर क्या कह लें, हवा का रंग कह लें या फिर दोस्ती का रंग कह लें या फिर बहुत सारे और रंग होते हैं जो वो साथ लेके घर आता है, और पहले दिन माँ को ये अंदाजा होता है बस अब मेरे से बात आगे निकल चुकी है और अब ये बच्चा जो है ये थोड़ा सा मेरे सोबत से बाहर जाके लोगों की भी कुछ अट्रैक्ट कर रहा चीजें। सोशल स्किल्स बहुत जरूरी हैं बच्चों के लिए। पहली बात तो ये कि दोस्तियां करना, दोस्तियां बनाना, अपने इंटरेक्शन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? बल्कि अगर आपका बच्चा ऐसा है कि बहुत जल्दी दोस्त नहीं बना पाता या उसको ताल्लुक मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये एक सोचने वाली बात है, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये कि दोस्तियां कर लेना या आसानी से फ्रेंडशिप कर लेना, हमें ये नहीं होना चाहिए, हम एज पेरेंट्स और एज एडल्ट्स हम ये सोचते हैं ये बड़ी आसानी से घुल मिल जाता है ना, ये ना हर एक के साथ चला जाए, वो एक कहानी भी है जिन्हें लाई गली होती पीछे टूट चली, वो बस हमें यही टेंशन लग जाती है अगर हमारा बच्चा जरा आसानी से सोशली एडजस्ट कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आसानी से सोशली एडजस्ट करना बच्चे के लिए लेटर ईयर्स में भी फायदेमंद साबित होता है क्योंकि वो ट्रस्ट कर रहा होता है, इसका मतलब उसको ट्रस्ट मिला है, दैट इज वाई वो दूसरों पे भी आगे से अपना ट्रस्ट शो कर रहा है और ट्रस्ट कर रहा है, इसीलिए वो आराम से मिंगल कर सकता है, आराम से सोशली कनेक्ट कर सकता है। तो सोशली कनेक्ट होना एक सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाती है कि बात जब वो कनेक्ट कर जाता है फिर हम ये कहते हैं कि किस किस्म की सोबत है या क्या, तो इस बारे में थोड़े से पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ अर्मिला कि पहले 12 साल से पहले आपके साथ बच्चों का इंटरेक्शन डिफरेंट होता है। जब बच्चे अपने टीन एज में चले जाते हैं ना तो ये इंटरेक्शन डिफरेंट हो जाता है। तो अभी मैं जो बातें करने वाली हूँ ये दो ग्रुप्स पर डिवाइडेड होंगी। जो बातें शायद छोटे बच्चों के लिए एप्लीकेबल होंगी वो टीन एज में उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी। जैसे मेरे जो टीन एज के बच्चों के लिए बात होगी वो आप छोटे बच्चों के साथ नहीं कर सकते। जब हम कोई भी ताल्लुक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या बच्चा अपना कोई ताल्लुक इस्तेमाल करता है या फिर कोई भी ताल्लुक का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, उसके दो एलिमेंट्स होते हैं मेरा, एक गिव यानी कि आप कुछ देते हैं और एक टेक यानी कि आप कुछ ले रहे होते हैं, ठीक है? ताल्लुक की बुनियाद इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर होती है। कुछ आपकी डिपेंडिंग अपॉन जो आपकी परवरिश की जाती है और जो हालात और जो एक्सपीरियंसेस आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हुए कुछ बच्चों की पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं कि वो ज्यादा गिवर होते हैं, exactly. वो देते हैं ज्यादा। कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं कि वो ज्यादा लेते हैं, ठीक है? अब वो उस लेने और देने में हर चीज हो जाती है, टैंजिबल भी हो जाती है, लंच शेयर करना भी हो जाता है, पेंसिल बॉक्स शेयर करना भी हो जाता है, स्टडीज के साथ बैठ के अच्छी एडवाइस शेयर करना भी, फटाफट कोई दुखी बैठा हो तो आप जाके उसके साथ कनेक्ट कर लें वो भी होता है, एनर्जी शेयर करना भी होता है, अच्छा अच्छी बातचीत शेयर करना भी होता है, और इसी तरह लेने में भी होता है। हम बचपन से एक चीज सुनते हुए आ रहे हैं और मैं हज़रत अली की उसी कॉल को बेस बना के इस एक्चुअल में इस कॉन्वर्सेशन को लेके चलूंगी कि आपको जो चीज कोयला है फॉर एग्जांपल वो आपको वो दे सकता है जो कोयले के पास है। उसके अलावा जो उसके पास नहीं है वो आपको चाहे भी तो नहीं दे सकता। इसी तरह अगर आपको आप किसी खुशबू वाले के पास बैठते हैं तो उसने आपको चाहे वो उसके पास वो ही देना है ना, उसने जो उसके पास है उसके पास मौजूद है। अब इसी तरह कोयला आग भी देता है जो वैसे भी नेसेसिटी है आपके पास। सो डिपेंडिंग अपॉन आपने लेना क्या है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों की परवरिश में जो हम एक भूल जाते हैं, हम एक ये तो कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश क्या करते हैं, अल्लाह ना करे अगर कभी हमें बुरी सोबत का अंदाजा हो जाता है, इस पे भी मैं भी आपसे एक पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ, हमें एक इल्हाम होता है कि ये बुरी सोबत में है तो हम फिर क्या करते हैं, सबसे पहले उसका ताल्लुक कट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और ताल्लुक कट करना
छोटी उम्र में 12 साल से पहले तो आप कोशिश कर सकते हैं कि वो ज्यादा कनेक्ट ना करे लेकिन उसको बिल्कुल कट ऑफ और 12 साल के बाद अगर आपने कोशिश की वो रिबाउंड करेगा अर्मिला, जैसे ही आपने ताल्लुक को मुकम्मल कट करने की कोशिश की वो बहुत ज्यादा रिबाउंड करता है। तो जिस भी ताल्लुक को बल्कि आपने रिबाउंड करवाना और मुकम्मल जोड़ना होना उसको कट करने की कोशिश करें क्योंकि वो फिर वापस रिबाउंड करता है। अच्छा, अब यहाँ पे अभी मैंने जो बात आपके साथ शेयर की कि गिव एंड टेक की बात हो रही थी और ताल्लुक बनाने की बात हो रही थी, बच्चे आपने परवरिश में इस एलिमेंट का ध्यान रखना है, ये मुश्किल होता है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और ये आपने खुद मॉडल करके दिखाना होता है कि आपने लेना क्या है। ठीक है, जो कोई भी आपका इंटरेक्शन होता है, जो कोई भी आपका ताल्लुक होता है, दे तो ठीक है आप जो भी रहे हैं वो एक अलग कहानी है, उसके ऊपर भी आपको एक फिक्सचर आपको ये परवरिश करनी चाहिए, लेकिन मुश्किल है। जहाँ तक बात है लेने की, ठीक है, तो आपने उसको इतना कॉन्फिडेंट बनाए, उसकी तरबियत इतनी परफेक्ट होनी चाहिए या कह सकते हैं इतनी स्किल्स उसमें होनी चाहिए कि वो जो ले रहा है वो ध्यान से ले। ठीक है, अच्छा अब हम ये कैसे करेंगे, एक छोटा आपने मैं यही कहा कि बच्चों को तो नहीं पता उसकी कंपनी कैसी है। सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों को सुनते कम है, आजकल तो बहुत ही कम सुनते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सुनते, बहुत ही कम सुनते। जैसे ही आपका बच्चा सोशली इंटरेक्ट करना शुरू होता है आपका लिसनिंग टाइम ज्यादा हो जाना चाहिए ताकि वो शेयरिंग कर सके। वो बच्चे बताते हैं पूरा दिन, मोस्ट बच्चे अगेन फिर वही बात है पर्सनालिटी टाइप से डिपेंड करता है, लेकिन बच्चे आके आपको जरूर बताते हैं। मार भी किसी और को बताए ना बताए वो अपनी माँ को तो जरूर बताते हैं। बच्चों में एक फितरत होती है ना, वो अर्ज होती है शेयर करने की, तो वो जब स्कूल से घर आते हैं तो वो जरूर कुछ ना कुछ। अर्मिला पहले 3 सालों में बच्चे में इनिशिएटिव और गिल्ट दो एक जो मुतजाद एक फीलिंग्स होती है वो डेवलप हो सकती है। इनिशिएटिव अगर कोई बच्चा लेता है वो सोशली इंटरेक्ट करता है और आप उसको गलत तरीके से कट करते हैं तो वो गिल्ट बन जाता है, या कोई भी बच्चे का इनिशिएटिव अगर आप डिसअप्रूव करते हैं वो गिल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे जब 3 साल की उम्र में बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है आपको बहुत ध्यान रखना है। और अर्मिला अब यहाँ पे बात आ जाती है बुरी सोबत, ठीक है, हम जनरलाइज करते हैं वर्ड्स को बहुत ज्यादा, ये बच्चा बुरा है, ये बच्चा अच्छा है, अच्छा बुरा। बदतमीजी वाले एलिमेंट पे ही आपको कोई चीज उसकी नागवार गुजरी है तो आप उस बेसिस आप पहले जनरलाइज करें। और आप पेरेंटिंग के कुछ असूल अपने लिए जब बच्चा स्पेशली सोशली इंटरेक्ट करना शुरू करे वो जरा फिक्स कीजिए और जरा ये देखिए कि मेरे लिए काबले कबूल क्या है और बिल्कुल नाकाबले कबूल क्या है। जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक या बैड फ्रेंडशिप सो कॉल्ड, आप जिसको बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या? मैं किस चीज पे आके बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा या मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी कि ये मेरे बच्चे के, क्योंकि अगर आप इतनी बात पे भी करेंगे ना कि उसके घर में पता नहीं उसके माँ बाप के साथ क्या चल रहा है या ये के जी उसकी जबान ऐसी है या वो बच्चा ऐसे बैठता है या वो हाइजीनिकली ज्यादा अच्छा नहीं है तो आई एम सॉरी उसको बहुत, और मैं ये बात सोच समझ कह रही हूँ, उसको दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आप उनसे कट नहीं कर सकते। आपकी एक थ्रेश होल्ड होना चाहिए, आपका एक लिमिट होना चाहिए, यहाँ तक मैं इजाजत ठीक है, इसके बाद आपने इंटरवीन करना ठीक है। इसके अलावा अर्मिला सोशली इम्पॉर्टेंट चीज ये है बच्चों की सोशल डेवलपमेंट के लिए कि जब आप कहानी आपके जिस किस्म के दोस्त हैं आप ये सोचिए कि आपके फ्रेंड्स आपके घर आ रहे हैं ठीक है, या आपकी फ्रेंड्स आपके घर आ रही हैं, आप चाय पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं और आप जाहिर सी बात है जब सोशली फ्रेंडशिप्स के फ्रेंड्स में आप इंटरेक्ट करते हैं तो खाना नीचे भी गिरता है या हम कुछ कोई ऐसे काम भी हो जाते हैं या हम बहुत अगर हम ऊंची ऊंची हंस रहे हैं या कहका लगा रहे हैं या बात करते हुए पंजाबी का लफ्ज यूज करें तो क्या ये सिर्फ एडल्ट्स को इजाजत है? जरा पॉइंट आ जाए क्योंकि हम ये इस पॉइंट पे बच्चों की दोस्तियां तोड़वाने की कोशिश करते हैं कि वो खाना सलीके से नहीं खाता। मैंने खुद भी ऐसे देखा है कि वो बैठता सलीके से नहीं है तो बच्चा घर में सोच रहा होगा मेरे अम्मा अब्बा के दोस्त ये काम करते हैं और वो बड़ी अच्छी दोस्ती है, अच्छा मेरी दोस्ती में आपको क्या टेंशन नजर आ गई कि आपको मुझसे आपने वो दोस्तियां तोड़वानी है। एक और चीज अर्मिला, एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगी कि जो फ्रेंडशिप्स है ना, अगर मैंने आपको समझाना है, समझाने का भी एक तरीका होता है, अगर मैंने समझाना है आपको कि अर्मिला आपका फलाना दोस्त जो है वो जरा ज्यादा बेहतर नहीं है आपकी सोहबत के लिए, तो अगर मैंने उस दोस्त के बारे में कुछ कहा अर्मिला आप कभी नहीं सुनेंगी, बिल्कुल ऐसा ही आप सुनेंगी आप ऑफेंड हो जाएंगे, आपने तो मेरे दोस्त के बारे में क्यों कहा बच्चे बिल्कुल ऐसे करते हैं, मेरे दोस्त के बारे में आपने ऐसा कहा नहीं, हालांकि आप उसमें खुद लड़ रहे हैं बच्चों को कह रहे हैं बच्चे वो बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल सही जुमला आपने बोला, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं आप गलत समझ रहे हैं या कुछ ऐसे। सो अगर आपने समझाते हुए दोस्त के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया, बिलीव यू मी आप लॉस्ट द चांस कि आप बच्चे से कोई कम्युनिकेशन कर सके।
हाँ आप ये कर सकते हैं कि आप बातों बातों में वो जो आदत, वो जो एक स्पेसिफिक उस पे पॉइंट आउट कर आपको सके। गलत लग रही है कि सोबत के लिए मेरे बच्चे के लिए नुकसानदेह, उस पे बात कीजिए। तुम्हें क्या लगता है जब वो ऐसा करता होगा तो इसका क्या असर होगा? है ना, फिर बच्चा खुद सोचेगा अच्छा पता है क्या होगा। अर्मिला एम्पथाइज करते हैं ना, अच्छा उससे एम्पथी कीजिए, वो जो आप जिससे छुड़वाना चाह रहे हैं उससे एम्पथी कीजिए, उसे कहिए कि भाई मतलब मुझे लगता है कि उसको काफी टफ टाइम मिलता होगा जब वो ये सारी बात करता होगा। सो जब वो देखेगा ना कि मेरी माँ मेरा बाप मेरे उस दोस्त के साथ एम्पथी कर रहे हैं या मेरे उस दोस्त को समझ रहे हैं, अर्मिला आई सो है, वो भी एम्पथाइज करेगा एक्चुअल में। और बजाय इसके कि वो नेगेटिव रिलेशन कट ऑफ में चेंज हो, वो वहां पे जाके वो कोशिश करेगा कि मेरा जो दोस्त है वो शायद कोई बेहतरी हो जाए। बिल्कुल हो जाए, ठीक है मार्बी। चूंकि आज के टॉपिक के हवाले से हम चाहेंगे हमें ब्रेक लेने, एक मैसेज दें आप क्लियर सा, ताकि हमारे देखने वालों को पता हो कि हमारे टॉपिक है कि बच्चों को किस तरह से हमने उनकी कंपनी को चेक एंड बैलेंस भी रखना और अच्छी सोबत की तरफ उनको। अर्मिला चेक एंड बैलेंस हम लोग दूसरों की कंपनी में, तो मेरा मैसेज एंड इस बात पे मैं करना चाहूंगी कि दूसरों की कंपनी से तो हम जरूर बच्चों को सोच लेते हैं कि अगर बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है और हम देख लेते हैं कि घर पहले पहली प्लीज पहला चेक ये कीजिए आपका बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है, तो इससे पहले कि आप ये देखें कि वो बाहर कहाँ से सीख रहा है, आपकी कंपनी उसके साथ सबसे ज्यादा वक्त के लिए रहती है। तो अपनी कंपनी को उसके लिए इतना पॉजिटिव बनाइए कि जो बाहर की कंपनी है उसका असर कम से कम हो, पहली बात ये। दूसरी बात ये जो हम चीज बहुत निग्लेक्ट कर जाते हैं अर्मिला, बच्चे के लिए उसकी अपनी सोहबत कैसी है, वो अपनी कंपनी में जब वो अकेला होता है या जब वो अपनी कंपनी में अकेला होता है तो फिर वो कैसा फील कर रहा होता है। तो ये दो चीजें प्लीज रन आउट कीजिए। ठीक हो गया, बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच मारवी, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। जनाब बच्चे की कंपनी अच्छी है बुरी इसका डिसीजन आपने करना है, लेकिन बच्चे को भी इतना राइट है, लिहाजा चेक एंड बैलेंस रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हमने आपको मैसेज दिया, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।